हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे वाटर कैंडल्स, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और किसी भी फेस्टिवल ओकेजंस पर हम इसे बनाकर हमारे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं वाटर कैंडल्स। सबसे पहले हम कांच का एक ग्लास लेंगे, कांच का ग्लास या बाउल कुछ भी ले सकते हैं। अब उसे पानी से पूरा फिल कर देंगे ऊपर तक। अब उसके अंदर कुकिंग ऑयल की 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे, जिससे पानी के ऊपर एक लेयर बन जाए। देखिए, पानी के ऊपर एक लेयर बन गई है। एक प्लास्टिक की शीट लेंगे, थोड़ी सी कड़क होनी चाहिए। प्लास्टिक की शीट अगर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक की बॉटल्स और जो खाली डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उन्हें भी हम कट करके यूज़ में ले सकते हैं। शीट को इस तरह से फोल्ड करें और कैंची से इसमें एक बिल्कुल बारीक सा छोटा सा होल करें, जिससे बाती को हम इसमें लगा सकें। होल बिल्कुल बारीक ही होना चाहिए, बड़ा ना करें जिससे बाती टिक ना सके। अब एक बाती लेंगे, उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल से उसे ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से प्लास्टिक की शीट में उसको लगा देंगे। अच्छे से लगा दें और इसे इस तरह से ग्लास में हम रख देंगे। ये हमारी वाटर कैंडल की एक ग्लास रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे दूसरी ग्लास, इसे भी हम पानी से फिल कर देंगे पूरा। और फूड कलर लेंगे या वाटर कलर, जो भी आप लेना चाहें, अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ में ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे वो पानी में पूरा घुल जाए। अब इसमें भी हम ऑयल के 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे, जिससे एक लेयर बन जाएगी। इसमें भी इसी तरह प्लास्टिक की शीट में बाती लगा कर रख देंगे। ये हो गई दूसरी ग्लास तैयार। अब तीसरी ग्लास तैयार करते हैं। अब इसके अंदर कलर बॉल्स डाल देंगे, जो पानी में डालते ही फूल जाती है ना, वो वाली कलर बॉल्स हैं। अब फिर पानी से पूरा फिल कर देंगे इसे भी। इसमें हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए या ओरिजिनल फ्लावर की लीव्स वगैरह भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, एक लेयर बन जाएगी। और इसी तरह से बाती रख देंगे। ये हो गई तीसरी ग्लास तैयार हमारी। अब हम बनाएंगे चौथी ग्लास। ये मेरे पास कुछ मोती की माला रखी है। जो भी आपके पास ऐसी मोती की माला हो, यूज़ में नहीं आ रही हो, या डेकोरेटिव कोई भी सामान हो, शीप वगैरह, वो हम ग्लास में डाल सकते हैं। पानी से फिल कर देंगे और कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और बाती को प्लास्टिक की शीट में लगाकर इस पर रख देंगे। ये हो गई हमारी सभी ग्लासेस तैयार। ये देखिए तो हमारी ग्लासेस कितनी सुंदर लग रही है। सभी ग्लासेस रेडी हैं। तो चलिए अब इस बाती को हम जलाते हैं। सभी चारों ग्लासेस की बाती को हम जलाएंगे। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप चाहें तो ग्लासेस में ग्लिटर भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास डेकोरेटिव है, आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। और नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग फूड कलर्स को ग्लासेस में डाल के अलग अलग कलर्स की बना सकते हैं। आप भी डेकोरेट कीजिए अपने घर को इन वाटर कैंडल के साथ किसी भी फेस्टिवल और ओकेजंस पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।